जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या का मामला फिर चर्चा में है। निज्जर की हत्या के आरोप में कनाडा पुलिस ने 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए तीनों ही भारतीय लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। दावा किया गया कि निज्जर की हत्या के बाद कनाडाई सिख असुरक्षित महसूस कर रहे थे। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जांच यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, जांच जारी है। आरोपियों में 22 साल के करण बरार और कमलप्रीत सिंह, जबकि 28 साल के करणप्रीत सिंह गिरफ्तार हुए हैं। इन तीनों के नाम के इनिशियल के शुरू होने की वजह से इन्हें के ग्रुप कहा जा रहा है। आरोपी कनाडा के एडमंटन में रह रहे थे, जो टेम्परेरी वीजा पर साल 2021 में कनाडा पहुंचे थे। इनमें से कुछ के पास स्टूडेंट वीजा था, लेकिन किसी ने भी कनाडा में पढ़ाई नहीं की है। गिरफ्तार आरोपियों का कनेक्शन हरियाणा और पंजाब के क्रिमिनल सिंडिकेट से बताया जा रहा है। कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी सुखदूल की हत्या के पीछे भी बिश्नोई गैंग का हाथ माना है। अनुमान के मुताबिक बिश्नोई गैंग में 700 गनमैन हैं, उसके कई गनमैन कनाडा में भी एक्टिव हैं। बता दें कि कनाडा की ट्रूडो सरकार बीते कई सालों में सिखों के हितों को लेकर ज्यादा अलर्ट है। दावा है कि अल्पमत वाली ट्रूडो की पार्टी को कई खालिस्तानी समर्थक पार्टियों का भी समर्थन है। इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने का जोखिम नहीं उठाते हैं। 18 जून 2023 की शाम को सरे शहर के एक गुरुद्वारे से बाहर निकलते समय निज्जर की हत्या हुई थी। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था और कनाडा से भारत विरोधी ताकतों को हवा देता था।